गुड मॉर्निंग सीयूस स्टूडेंट्स. टुडे इन संस्कृत सब्जेक्ट वी कम्प्लीट लेसन टू इन टेक्स्ट बुक वर्क बुक बोथ एंड एज अ होमवर्क यू हैव टू राइट ग्लॉसरी एक्सरसाइज एंड ट्रांसलेशन ऑफ लेसन टू वन टाइम फ्रॉम टेक्स्ट बुक इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो कम्प्लीट लेसन टू इन वर्क बुक. सो लेट्स स्टार्ट. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी कम्प्लीट लेसन टू मेघो वर्षति इन टेक्स्ट बुक. विशेषः मेघो वर्षति, मेघः वर्षाति, अलमपि अलम् अपि. नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन वन, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स ओरली. प्रवहति गोष्ठम, कर्षति प्रकामम, समृद्धिः मनुकुल वृद्धिः. नाउ क्वेश्चन टू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत. नीरं कदा प्रवहति? यदा मेघः वर्षति तदा नीरं प्रवहति. प्रसन्न कृषकः कदा गोष्ठं गच्छति? नीरं प्रवहति तदा प्रसन्न कृषकः गोष्ठं गच्छति. कृषकः बीजं कुत्र वपति? कृषकः क्षेत्रे बीजं वपति. हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन टू. नाउ इन होमवर्क यू हैव टू राइट विशेषः, क्वेश्चन आंसर एंड ट्रांसलेशन वन टाइम इन नोटबुक. नाउ वी स्टार्ट लेसन टू मेघो वर्षति इन वर्क बुक. क्वेश्चन वन MCQs एंड आंसर बॉक्सेज आर प्रोवाइडेड हियर फॉर योर आंसर. नंबर वन, कृषिकः बीज कुत्र वपति? ऑप्शन ए इज द आंसर, कृषिकः क्षेत्रे बीजं वपति. नंबर टू, कृषिकः हलं कुत्र नयति? ऑप्शन ए इज द आंसर, क्षेत्रं नयति. नंबर थ्री, कृषिकः बीजं कदा वपति? ऑप्शन सी इज द आंसर, यदा स क्षेत्रं कर्षति तदा. नंबर फोर, यस्यं कदा प्रकामं फलति? ऑप्शन बी इज द आंसर, यदा सस्यं रोहति तदा. नंबर फाइव, क क्षेत्रे बीजं वपति? ऑप्शन डी इज द आंसर, कृषिकः. नंबर सिक्स, विच सीजन हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोयम मेघो वर्षति? ऑप्शन डी इज द आंसर, मॉनसून. नंबर सेवन, हु इज गेटिंग सेटिस्फाइड विथ रेन? ऑप्शन डी, फार्मर इज द आंसर. नंबर एट, व्हाट हैपन्स व्हेन कॉर्न इज ग्रोइंग एंड प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील? ऑप्शन डी इज द आंसर, इंक्रीजिंग ऑफ ह्यूमन. नंबर नाइन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सस्यम? ऑप्शन बी इज द आंसर, कॉर्न. नंबर टेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रकामम? ऑप्शन बी इज द आंसर, प्लेंटी. हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन वन. नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन टू. प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली एंड राइट देयर इंग्लिश मीनिंग्स. नंबर वन, प्रवहति इज फ्लोइंग. नंबर टू, गोष्ठम कैटल यार्ड. नंबर थ्री, कर्षति इज प्लगिंग. नंबर फोर, प्रकामम एज विश्ड. नंबर फाइव, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी. नंबर सिक्स, मनुकुल वृद्धि ही increasing of men. Here we complete question 2. Start with question 3. Fill in the blanks with proper words given in bracket. Number 1, megho dash pravahati niram varshati. Megho varshati pravahati niram. Dash krushikah gachati goshtham tushyati. Tushyati krushikah gachati goshtham. Number 3, nayati cha vrushabham dash vahati. नयति च वृषभं हलमपि वहति. नंबर फोर, कर्षति क्षेत्रं डैश्क च बीजं वपति. कर्षति क्षेत्रं वपति च बीजं. नंबर फाइव, रोहति सस्यं डैश्क प्रकामं फलति. रोहति सस्यं फलति प्रकामं. नंबर सिक्स, भवति डैश्क मनुकुल वृद्धि समृद्धिः. भवति समृद्धिः मनुकुल वृद्धिः. हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन 3. Start with question 4. Find the words from the poem and write in the given blanks. Follow the example. Varshati pravahati. Tushyati vapati falati gachati. Nayati bhavati karshati rohati. Now start with question 5. Find out the true meaning of given Sanskrit word from the given option and write. नंबर वन, मेघः मीन्स क्लाउड. नंबर टू, कृषिकः मीन्स फार्मर. नंबर थ्री, क्षेत्रम मीन्स फार्म. नंबर फोर, प्रकामम अ लॉट ऑफ. नंबर फाइव, सस्यम मीन्स कॉर्न.
नंबर सिक्स गोष्ठम मीन्स कैटल यार्ड. यर वी कंप्लीट क्वेश्चन फोर एंड फाइव. स्टार्ट विथ क्वेश्चन सिक्स. फाइंड आउट द ट्रू सिनोनिम्स ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट. नंबर वन मेघ मीन्स जलदह. नंबर टू नीरम मीन्स जलम. नंबर थ्री कृषिक मीन्स क्षेत्रक. नंबर फोर सस्यम मीन्स धान्यम. यर वी कंप्लीट क्वेश्चन सिक्स. स्टार्ट विथ क्वेश्चन सेवन. आंसर इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत. नंबर वन मेघो वर्षति तदा किम प्रवहति. आंसर मेघो वर्षति तदा नीरम प्रवहति. नंबर टू कह गोष्ठम गच्छति. आंसर कृषिकः गोष्ठम गच्छति. नंबर थ्री कृषिकः किं वपति. आंसर कृषिकः बीजं वपति. यह वी कंप्लीट क्वेश्चन सेवन. क्वेश्चन एट. ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस इनटू इंग्लिश. फर्स्ट टाइम रीड द संस्कृत एंड देन आई रीड द ट्रांसलेशन. नंबर वन मेघो वर्षति प्रवहति नीरम. तुष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठम. इट इज रेनिंग वाटर इज फ्लोइंग. द फार्मर इज गेटिंग सेटिस्फाइड. He is going to the cattle yard. Number two, nayati cha vrishabham halam api vahati karshati kshetram vapati cha bijam. Translation, and he means the farmer is taking the bullock. He is also carrying a plug. He is plugging the farm and sowing the seeds. Here we complete question 8. Question 9, complete the following verses. Megho varshati goshtham. मेघो वर्षति प्रवहति नीरम. तुष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठम. नंबर टू रोहति सस्यम वृद्धिः. आंसर इज रोहति सस्यम फलति प्रकामम भवति समृद्धि मनुकुल वृद्धि. यू वी कंप्लीट क्वेश्चन नाइन. स्टार्ट विथ क्वेश्चन टेन. आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू वन सेंटेंस इन इंग्लिश. नंबर वन व्हेन इज द वॉटर फ्लोइंग. Water flow when it rains. Number two, when does the farmer sow seeds? Farmer sows seeds after plugging the farm. Number three, when does the satisfied farmer go to the cattle yard? Answer, after rain, the satisfied farmer go to the cattle yard. Number four, where does the farmer sow seeds? Answer, the farmer sows seeds in farm. Number five, what does the farmer take to the farm? Answer, the farmer take bullock and plug to the farm. Number six, how does the country become prosperous? Answer, when a lot of grain grows, country become prosperous. Number seven, what happens if there is heavy rain? Answer, if there is more rain, the crop will grow and human beings will grow. Here we complete question 10. And also lesson 2 in workbook.